नमस्ते, सौरभ नाम है हमारा और आप dlallantop.com देख रहे हैं। आज किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, किस्सा सुनाऊंगा पर सिनेमा का है। दरअसल सिनेमा का भी नहीं है, सिनेमा तो अब उस पर बन रहा है। साहित्य का किस्सा है, अध्यापक का किस्सा है और कमाल का किस्सा है। ये किस्सा पटाखा के राइटर का है, उस राइटर का जिसकी कहानी दो बहनें पर विशाल भारद्वाज की एक फिल्म बन रही है। पर विशाल का जिक्र आया है तो पहले भूमिका बांध लेते हैं, क्योंकि वो कमाल के डायरेक्टर हैं। शेक्सपियर को शायद अपने बारे में जितना नहीं पता होगा उतना विशाल ने एक्सप्लोर कर लिया। बचपन में ये क्यू फॉर क्वीन पढ़ते थे, आर फॉर रोज पढ़ते थे और एस फॉर शेक्सपियर। कितनी अद्भुत फिल्में बनाई हैं, हैदर, मकबूल, ओमकारा, कमीने। खराब फिल्में भी बनाई हैं पर ये सबके साथ होता है। और गुलजार जैसे शानदार जहीन लोग लगातार इनके लिए गाने लिखते हैं। कमीने जो गाली नहीं गाना है वो ज़रूर सुनिएगा, विशाल की ही आवाज़ में है। विशाल की अगली फिल्म आ रही है पटाखा, मारधाड़ एक्शन से भरपूर मनोरंजक पेशकश। फिल्म का ट्रेलर भी आ चुका है, 28 सितंबर को फिल्म रिलीज़ होगी। क्या है फिल्म में, दो बहनों की कहानी है जो आपस में पूरी तरह लड़ती हैं। मैं अपनी मम्मी की भाषा में कहूँ तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती हैं, एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करती। फिल्म जो है वो राजस्थान में करौली ज़िला है, वहाँ के रौसी गांव में बेस्ड है। अब ये रौसी गांव में क्यों बेस्ड है, क्योंकि रौसी गांव के ही रहने वाले कहानीकार हैं चरण सिंह पथिक। उनकी शॉर्ट स्टोरी, जैसा मैंने पहले बताया, दो बहनें, इस पर वो बेस्ड है। ये चरण सिंह पथिक की कहानी तक विशाल कैसे पहुँचे, ये बड़ा दिलचस्प है। पथिक तो पेशे से अध्यापक हैं, दो दशक से कहानियाँ लिख रहे हैं, उनके 3 कहानी संग्रह आ चुके हैं। हमने सोचा कि इन सब पर इंटरनेट और अखबारों में जो जानकारी बिखरी है उसके बजाय सीधे चरण सिंह पथिक से बात कर लें। हमारे जो सिनेमा के एंटरटेनमेंट के एडिटर हैं गजेंद्र सिंह भाटी, जो खुद भी राजस्थान के रहने वाले हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं, उन्होंने चरण सिंह पथिक जी से बात की और पथिक साहब ने पूरा किस्सा हमें सुनाया। क्या है किस्सा, दो बहनें साल 2006 में साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है समकालीन भारतीय साहित्य, उसके अंक में छपी थी। 2011 में विशाल भारद्वाज ने पढ़ी। अब आप कहेंगे 6 की कहानी 11 में पढ़ी, दरअसल विशाल खूब पढ़ते हैं और उसी क्रम में जब जहां से जो मैगजीन मिल जाए उन तक पहुंच जाती है। इनफैक्ट साहित्य प्रेमियों को भी बड़ा अचरज होता है जब वो विशाल की मैगजीन की लिस्ट देखते हैं, अच्छा आप ये भी पढ़ते हैं, ऐसा भाव आता है। 31 जुलाई 2011 को विशाल के कहानी पढ़ने के बाद उनके असिस्टेंट का चरण सिंह के पास फ़ोन आया। उनसे पूछा गया, क्या आप विशाल भारद्वाज को जानते हैं चरण सिंह जी? उन्होंने कहा, अरे उन्हें कौन नहीं जानता। फिर जब बात आगे बढ़ी तो चरण सिंह ने अपने 2 कहानी संग्रह, जिनका नाम है, पहले का शीर्षक है बात ये नहीं है और दूसरे का शीर्षक है पीपल के फूल, ये दोनों उन्होंने विशाल भारद्वाज के पते पर भेज दी। चरण सिंह और विशाल साहब के सेक्रेटरी के बीच बीच में बातें होती रहीं। फिर आया साल 2012, जयपुर में साहित्य का एक बड़ा उत्सव होता है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। यहाँ पे फाइनली विशाल और चरण की मुलाकात हुई और ये मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि विशाल डिग्गी पैलेस में एक सेशन कर रहे थे, बहुत भीड़ थी, एकदम स्टारडम। चरण सिंह पथिक ने कुछ समय पहले अपनी कहानी का पाठ किया था, किसी ने उनको बताया कि हाँ विशाल आए हुए हैं, दोस्त के साथ पहुँच गए, फिर ठिटक गए। दोस्त ने बोला, यार यहाँ तो इतनी भीड़ है, कैसे बात होगी? बोले बस 2 सेकंड बात हो जाए, देखते हैं चलते हैं। जैसे ही वो विशाल के करीब पहुँचे उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सर आई एम चरण सिंह पथिक। विशाल भारद्वाज प्रफुल्लित हो गए, बोले अरे यार मज़ा आ गया, तुम्हीं से तो मिलने का कब से मन था। उन्होंने अपना जो सेशन चल रहा था, जो अपने आखिरी दौर में था, उसको ख़त्म कर दिया, गलबहियाँ डाल ली, खूब बातें की, पर ये खूब बातें खूब नहीं हो पाई क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। चरण सिंह बताते हैं कि उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा, मेरे हाथ को अपने हाथ में फंसा के मेरा भाई मिल गया। विशाल चले गए पर जाने से पहले उन्होंने वायदा किया कि हम भविष्य में ज़रूर काम करेंगे। मार्च 2017 में मुंबई से फाइनली चरण सिंह के पास फ़ोन आया, दूसरे छोर पर इस बार असिस्टेंट नहीं था, खुद विशाल भारद्वाज थे। बोले आप मुंबई आ जाइए, आपका टिकट भेज रहे हैं। मुंबई पहुँचे वो और दो बहनें पर काम शुरू हुआ, कहानी का रोड मैप बना। क्यों बना, क्यों, क्या काम क्या करना था, कहानी तो पहले से थी। दरअसल कहानी 6 पन्ने की थी और फिल्म बनती है 1.5-2 घंटे की,
तो समस्या ये थी कि इतने कम से फिल्म कैसे बने, और अगर इसको बड़ा करें तो ऐसा ना हो कि जो कहानी की बुनियाद है, उसकी आत्मा है, वो डगमगा जाए, कहानी मरे नहीं और फिल्म भी बने। इस उद्देश्य से विशाल और चरण सिंह पथिक ने कोलैबोरेशन किया, साथ काम करना शुरू किया। कुछ नए पात्र भी बनाए गए जो कहानी में नहीं थे। 15-16 पॉइंट्स लिए गए और उन पे काम करते हुए 125 पन्ने लिखने का प्लान बना। चरण लिखते जाते, विशाल उसको पढ़ते जाते। फिर जब फाइनल ड्राफ्ट विशाल तक पहुंचा, चूंकि चरण सिंह ये सारी ब्रीफिंग लेके अपने गांव वापस आ गए थे, जब विशाल ने फाइनल ड्राफ्ट पढ़ा, वो 125 पन्ने का, 150 पन्ने का, तो फ़ोन किया और बोला, पथिक जी हम आपके गांव आ रहे हैं। पथिक जी चौंक गए, कहाँ, करौली में, दूर दराज में उनका गांव। पर विशाल पहुंचे, साथ में उनकी पत्नी गायक रेखा भारद्वाज भी थी, यूनिट के कई लोग थे। उन्होंने लोकेशन देखी, वो ये समझना चाहते थे कि जो कहानी की बुनावट है, कि दो बहनें बुरी तरह लड़ रही हैं, ये दिखती कैसी होंगी असल जिंदगी में, वो कौन सी ज़मीन होगी, वो कौन सा जीवन होगा जिसका ये प्रतिनिधित्व करती होंगी। फिर रौसी गांव में ही तय हुआ, जो पथिक जी का गांव है, कि भाई फिल्म भी यहीं शूट करेंगे जब ये यहीं के आसपास की कहानी लग रही है। फरवरी 2018 में शूटिंग का प्लान बना, लेकिन तब तक विशाल के कुछ और प्रोजेक्ट आ गए, वो आगे बढ़ गए, थोड़े बिजी हो गए, लेकिन वो पथिक और उस कहानी को भूले नहीं थे। दोबारा उनको मुंबई बुलाया गया, फिर से स्क्रिप्ट को कुछ फाइनल टच दिए गए, और उसके बाद कहानी पर काम अगले चरण में पहुंचा, यानी कि शूटिंग शुरू हुई, प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ। विशाल ने दोबारा क्यों बुलाया था, दरअसल अब उन्होंने स्क्रीन प्ले लिख लिया था। कहानी के बाद जब उसको फिल्म में बदलना होता है, ये अगला चरण होता है, तब डायलॉग लिखे जाते हैं कि अच्छा यहाँ से एक पात्र आएगा, वो क्या बोलेगा, उसने कैसे कपड़े पहने होंगे, लाइट कैसी होगी, दिन है कि रात है, इंडोर है कि आउटडोर है। विशाल ये चाहते थे कि पथिक ये चेक करें कि जो मैंने संवाद लिखे हैं, उनकी भाषा करौली और आसपास के इलाकों की भाषा से मिलती है कि नहीं, जो तरीका है वो मिलता है कि नहीं। पथिक ने उसमें अपने हिसाब से करेक्शन किए, फिर मामला सेट हो गया। अब दूसरा बड़ा काम शुरू हुआ, वो ये था कि जो पटाखा की लीड रोल के लिए दो बहनें, दो हीरोइनें कास्ट की गई थी, राधिका मदान और सान्या मल्होत्रा, इन्हें उन किरदारों में कैसे ढालें। राधिका टीवी पे काम कर चुकी हैं, सान्या को आपने दंगल में देखा है, इन्हें गांव की ट्रेनिंग देनी थी, और इसलिए इनको भी रौसी भेजा गया। अप्रैल 2018 में ये पथिक के गांव पहुंची, इनकी वर्कशॉप शुरू हुई। क्या हुआ वर्कशॉप में, कुएं से पानी खींचना, कंडे पाथना, बीड़ी पीना, जलाना, सही उच्चारण करना, मट्ठा, दही से मट्ठा निकालना, ये सब चीज़ें शुरू हुई, और उसके बाद पटाखा अपने उस स्वरूप में बनी जो आपके सामने सिनेमा घरों में आएगी। हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, हमारा कहानी सुनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है, आप में से कई लोगों को लगता है कि उनके पास बड़ी कमाल की कहानी, इस पर फिल्म बननी चाहिए। कई लोग गणेश परिक्रमा करते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, कई लोग हताश हो जाते हैं। आप ईमानदारी से लिखिए, वो अपने सही मकाम तक पहुंच जाएगी। पर जोर मार्केटिंग पे नहीं रहे, जोर कहानी पर रहे, क्योंकि कहानी में अगर ताकत होगी तो वो हजार बरस बाद भी बाँची जाएगी। कहानियों की बातें, तथ्य और सत्य की बातें, साहित्य की बातें, समाज की, सिनेमा की, हर रंग की बातें आपसे लगातार करता है आपका दोस्त दी ललन टॉप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जानकारी से भरा लगा, तो इसको शेयर करिए अपने सोनू मोनू वाले ग्रुप में, स्कूल वाले ग्रुप में, रिश्तेदारों वाले ग्रुप में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत करवाएं। अगर आप पहली मर्तबा ललन टॉप से परिचित हुए हैं और आपको ललन टॉप पसंद आया, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, सी फर्स्ट का एक ऑप्शन आता है, उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आगे भी जब हम गर्माहट और जानकारी से भरी बातें आपसे करें तो वो मिस ना हो, सीधे आप तक पहुंच जाएं। जो यूट्यूब पर आए हैं पहली मर्तबा कहीं से भटकते हुए, वो ललन टॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ये घंटी का निशान इसलिए होता है ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको खबर हो जाए। एक और खबर, आखिरी खबर, ललन टॉप का एंड्रॉयड ऐप आ गया है। आप एंड्रॉयड में प्ले स्टोर पर जाएं, ललन टॉप सर्च करें, आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लें। अब उसका क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि तब आपको सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐप आपको बताता रहेगा कि आज यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, कौन सा नया पॉलिटिकल किस्सा है, कौन सा झूठ है जिसे सच बता के प्रचारित किया जा रहा है। खबरें और वीडियो सब आप तक निर्बाध पहुँचते रहेंगे।
ये आपका लल्लन टॉप है, इसे आपने सवारा है और ये सहयोग, ये संग यूं ही जारी रहे। शुक्रिया।